हे गणपति बप्पा, ये नया साल सभी के लिए अच्छा जाए। अकसर में से भर की कयार की खिच खिच की निशानी हूँ मैं मारती। कुछ ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोनिया, ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोनिया, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा मंडिया। अगर किसी को पता चला कि मेरे पास मोबाइल है तो ये भी छीन लेंगे। नवीन वर्ष का हार्दिक शुभेच्छा। न जाने कितने साल हो गए पर ये बुढ़िया टस से मस नहीं हुई। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर तुझे भी। और क्या प्लान है आज का फिर? अरे काय का कुछ प्लान, ओकरान की वजह से सब बंद। हैप्पी न्यू ईयर। इस साड़ी में तो आप सफेद परी लग रही हो। क्या आप कहीं जा रही हो आप? जी हाँ, आज नया साल का पहला दिन है तो मैंने सोचा मंदिर जाऊँ। मैं भी चलता हूँ। आई एम रियली सॉरी पर मेरे नीचे दोस्त आए, मैं उसी के साथ जा रही हूँ। बाय बाय। हाँ बोलिए, क्या हुआ? क्या कर रही थी? क्या हुआ अभी? इधर खटिया के ऊपर 15 मिनट से बैठी हूँ, मुझे चाय कॉफी कुछ नहीं पूछा। आप ही के लाडले पोता पोती को ढूंढने गई थी? अरे सोने दे, न्यू ईयर है, उनको थोड़ा एंजॉय। ये लाड मेरे पास नहीं चलते उनके। तूने उनके कभी लाड प्यार किए? इससे अच्छा तो वो बोर्डिंग में होते, कम से कम सुख चैन से तो जीते। मुद्दे पे आइए ना। क्या बोली? आपको क्या चाहिए, क्यों बुलाए मुझे? न्यू ईयर स्पेशल कॉफी ला। अच्छा आगो भी? कॉफी नहीं है। हाँ तेरी हर बार का है तेरा, जब भी मुझे करना होता है खत्म ही हो जाता है तेरा सब। सस माँ मैं कभी ऐसा जानबूझ के नहीं करती, खत्म हो जाते तो खत्म हो जाते, क्या कर सकते। अरे तो भर के रखना, इतना क्या कंजूसी करना। एक बार चाय करती है सुबह, वही चाय पत्ती शाम के चाय में यूज करती है, फेंकती नहीं। अच्छा लगता है ना पर चाय शाम कभी? अरे मैं बोलती हूँ इतना क्या कंजूसी करना। काट का सर करनी चाहिए। काय की काट का सर, सेल लगने पर सारा पैसा उड़ देती है। हो गई चलो ये बुढ़िया। बस खुद का मजा चाहिए, खुद की ऐश चाहिए। चाय लाओ। ला। ठीक है। कोई कर सकती है और क्या कर सकती है। अब तुझे अमेरिकानो कैपाचानो लाटोर वो तो आएगा नहीं, जाना। आज की सुबह इनके मुंह देखे बिना नहीं हुई तो कितना अच्छा लग रहा है, पर गए कहा ये? बाओ ये बुढ़िया भी ना। अब क्या हुआ? तेरे ससुर जी कहाँ गए? वो आपको तो पता है ना, नए साल के पहले दिन वो हमेशा मंदिर जाते हैं। आज भी गए 5 बजे उठ के। तू क्यों नहीं गए फिर? जाने के लिए जाती पर मुझे घर का काम करना पड़ता है ना, अब मेरे अलावा कौन करेगा घर का काम? आप तो 8 बजे उठती है। के खुशबू आ रही इस ढोकले में से, टर्मिना और सुमित्रा तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। आओ क्या शर्मिला बहन? अरे तशी बहन, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नया साल मुबारक हो, ये लीजिए ढोकला लाए। थैंक यू। हाँ मुझे बहुत पसंद है आपके हाथ का ढोकला। सुमित्रा बहन। क्या हुआ तशी बहन? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो सुमित्रा, तुमको भी हैप्पी न्यू ईयर। ये ढोकला लाए तुम्हारे लिए। ढोकला? मुझे तो बहुत पसंद है ढोकला। अच्छा दिख रहा है ड्रेस। हाँ ना? हाँ रे सुमित्रा, बहुत अच्छा दिख रही तू। ब्रांडेड है पता है, ये 4,500 का लिया है मैंने। अरे ऐसा सेम टू सेम सूरत में 250 में मिलता है। पर ये 4 साल ही पहनू ना तो भी कुछ नहीं होगा, इसे कहते हैं ब्रांडेड। अच्छा शर्मिला, तुम्हारी साड़ी भी अच्छी लग रही हो। हमारा क्या है अपना ऐसा ही। ये तुम्हारी ऊपर काफी जज रही है, एकदम सरस। -80 में मिली थी ऑफ, ले ली। तुमसे यही उम्मीद थी। चॉइस
एकदम अच्छी चॉइस है। चलो फिर दोपहर को बैठते बातें करते हैं कुछ। हाँ गपशप मारते हैं, बहुत दिनों से मारे नहीं। ठीक है मैं मेरा सारा काम निपटा के आती हूँ। 2 बजे आ जाना। बराबर 2 बजे आऊंगी। हाँ ससमा अभी तक वो आया नहीं। रास्ते गए वो। मैंने ही परमिशन दी है उसको पार्टी करने की। अगर आज वो पार्टी करके आए ना तो ससुर जी उनको बहुत डांटने वाले। ए, अगर तूने इनको ये बात बताई तो देख लेना। मैं तो बताऊंगी, मेरे पेट में कुछ नहीं रहता। हाँ तुझे तो आदत ही है ना जगह जगह हगने की। ससमा ये क्या तरीका है बात करने का? तेरे जैसे के लिए मेरा यही तरीका है। बोलने के लिए तो मैं भी कुछ भी बोल सकती हूँ। तो बोल रोका किसने है? वो तो आप बड़ी है इसलिए आपका आदर करती हूँ। आदर जैसा शब्द तेरे मुंह में शोभा नहीं देता। देखो देखो कैसे गीदड़ जैसे देख रही मुझे। आदर करती है काय का आदर, बढ़िया ही संस्कारी बहू बनने। मैं क्यों तुझसे बात कर रही हूँ, काम का मेरा न्यू ईयर का फर्स्ट डे खराब हो जाएगा। सेम टू यू। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। पार्टी करने गए थे ना? नहीं महक आ रही महक। आ गया मेरा बेटा। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर हैप्पी। हैप्पी न्यू ईयर। पी के आए पूरा टल्ली होके। बेटा ज्यादा टल्ली क्या? अरे क्या मैंने तुझको बोला था ना सिर्फ 2 घूंट डालने को। पर क्यों करने का? अब यहाँ नहीं दो तुझे, देखती हूँ फिर मैं। मामा। ए, तू ये बात बिल्कुल उनको नहीं बताएगी। मैं समझाती हूँ उससे। बेटा अभी कल से आज से न्यू ईयर शुरू हुआ है तो बिल्कुल 2 घूंट नहीं मारने का। आप जितना ढकने की कोशिश करेंगी ना मैं उतना निकल के दिखाऊंगी इनका। क्या दिखाएगी? ये मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलती। तुझको क्या लगता है मैं उसको ऐसा दिखाऊंगी? बेटा चल तेरी उतारती हूँ। एक मिनट एक। अगो भाई आ गया फिर जी, आइए ना। कैसा हुआ दर्शन? अच्छा हुआ दर्शन। सुन भाई ललिता का लाडला आया कि नहीं? आ गए अभी 5 मिनट पहले आ गए। उतर गई? ये ले नया शर्ट पहन। कितनी बार बोला ये 2 घूंट मत मारा कर, सुनता ही नहीं मेरी। सॉरी। ये नींबू का पानी पी। इससे क्या होता है? मुंह का पास जाता है। आपको कैसे पता? वो मैंने एक बार ली थी ना। क्या? अरे बहुत बड़ी कहानी है, शादी में कुछ गड़बड़ हुई थी, कभी बाद में बताऊंगी, ये पहले पी ले। क्या परिस्थिति थी? साफ साफ बताओ सुन भाई, मुझे सब पता है। पार्टी करके आए हैं। अरे मुझे पता था ये कभी नहीं सुधरेगा। घर के बाहर ही जहरीला बास आ रहा है सारा। जाओ पहले वो सेंट मार के कुछ करो, कोई आएगा तो क्या सोचेगा। हाँ क्या कर रही हो शर्मिला? कुछ नहीं ऐसी हवा खा रही हूँ। हवा? अरे शराब की स्मेल आ रही है। अरे हाँ वो मैंने आज परफ्यूम मारा है। क्या है परफ्यूम का नाम? नशीला। बहुत गंदा है। हाँ वो आज ही मैंने वो खोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, फेंक दूंगी। मैं जाती हूँ। बाय। You can call me Senorita. आप कब टपक, आप कब आ गए? बस अभी अभी आए Senorita. क्या अभी? मैं क्या Senorita हूँ क्या अभी? तुम भले ललिता हो पर खुद को Senorita तो समझती हो ना। नया साल शुरू होते ही ताने। Happy New Year. नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। क्या फिर पार्टी?
पार्टी का? नहीं पार्टी नहीं कुछ नहीं। ए मेरे सामने झूठ नहीं बोलने का, सब पता है मुझे। ससुर जी मैंने इनको शाम को ही मना किया था, मत कीजिए ऐसा कुछ। अरे कब सुनता है किसी की? और सासू मां भी ना बिल्कुल गुड़ाती नहीं है, अभी भी आने के बाद कुछ बोलना चाहिए था ना, नहीं उल्टा ऊपर उतर निकली गई उनकी। अरे वो तो है ही वैसे, उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है, सारा तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा ही है। नू यार का टाइम है, बेचारे ने थोड़ी सी दो घुट मार लिए तो क्या चाहता है, सभी करते चुप चुप के, मेरे बेटे ने खुलेआम किया तो क्या। अरे चुप, बोली थी ना तुझे जब दो घुट मारने को पूरी बोतल मारने की क्या जरूरत थी। अभी आगे से मुझे ऐसा दिखा तो फिर देखना। आगे से बिल्कुल नहीं होगा। नहीं नहीं, अगर आगे से ऐसा हुआ तो तू और तेरी माँ घर के बाहर।